हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आज एक नया वीडियो, कुछ नया टॉपिक। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, तो आप इस वीडियो को कर देना लाइक, और आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको एक घंटी दिखाई दे रही होगी, उस घंटी को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो आज के इस वीडियो में आपको यह बताऊँगा कि कैसे आप मिंत्रा एप्लीकेशन के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट कैसे करते हैं रिटर्न आपको पता नहीं होगा, तो आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना अंत तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे मिंत्रा एप्लीकेशन के अंदर किसी चीज को रिटर्न कैसे करते हैं। तो आपको अब अपने फोन के अंदर मिंत्रा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ढूंढ के मेरे फोन में यह रहा तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद में आप राइट साइड में आपको एक प्रोफाइल का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आपको इस प्रोफाइल वाले निशान के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस, जब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको ये देखो एक हेल्प सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस, जब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा है, तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रिटर्न एक्सप्लोर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आ रहा है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप किस कारण से रिटर्न करना चाहते हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना जिस कारण से रिटर्न करना चाहते हो उसको। तो मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में गाइस, आपको यहाँ पे लिंक टू ऑर्डर पेज, आपको जो भी जिसको भी रिटर्न करना है उसको सेलेक्ट कर लेना, फिर बाद में उसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ रहा रिटर्न या फिर ऐसा लिखा हुआ रहा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस, अपना जो ये देखो मेरा अभी कहने का मतलब ये ऑर्डर नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ से रिटर्न नहीं होगा। आपका अगर रिटर्न करना है तो आप कुछ इस प्रकार कर सकते हो रिटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिटर्न करते हैं अपने मिंत्रा एप्लीकेशन के अंदर किसी प्रोडक्ट को। समझ में आ गया तो इस वीडियो को कर देना लाइक, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।